हेलो, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के जो भी स्टेट हैं उसके कैपिटल और उनके सीएम और उनके गवर्नर। और आपको मालूम है जैसे कि ये भारत में टोटल अभी के टाइम में 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। और अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे कोई भी हो, SSC भी हो, तो अभी कैपिटल तो नहीं पूछते हैं, सीएम भी नहीं पूछते हैं, सीएम रेयर पूछते हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो आ ही जा रहा है। तो गवर्नर तो, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में ये कोशिश किया है कि सारा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कवर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है अमरावती है। और ये आंध्र प्रदेश जो है अभी डिवाइड हो गया है, ये तेलंगाना में डिवाइड हो गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गया है। और पहले इसका कैपिटल हैदराबाद था, लेकिन अभी ये आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया। और इसके जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू है, और इसके गवर्नर है ES लक्ष्मी नरसिम्हा। तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये आपको तो साफ दिख ही रहा होगा क्या कि ये आंध्र प्रदेश। और ये देखिए, ये यहाँ पे ये साइड में मैंने ये भी बनाया है ताकि ये मैप में भी दिखाए, ताकि ये पता चल जाएगा कि आंध्र प्रदेश है एक्चुअली कहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ये सब को लेकर मैंने इसे बनाया इस वीडियो को। उसके बाद फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है का कैपिटल है ईटानगर। और ये है अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये साइड में है, ये चाइना का बॉर्डर से ये शेयर करता है। और इसके जो सीएम है पेमा खांडू है, और इसके जो गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा है, रिटायर्ड है, इसलिए इसको रिटायर्ड कर दिया है मैंने, लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और आपको जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ क्या कि जो इंडिया के हैं, ये जो पूर्वोत्तर राज्य जिसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोला जाता है, तो इसमें 7 स्टेट्स है। और इसको आपको याद करने के लिए, ताकि आपको याद रहे, मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया है, AAMMNT। डबल ए हो गया आसाम अरुणाचल, MMM हो गया मेघालय मिजोरम मणिपुर, और N हो गया नागालैंड, T से हो गया आपका त्रिपुरा। तो इस टाइप से आपको 7 स्टेट्स का नाम याद रहेगा। और इसके बाद देखते हैं आसाम। आसाम आसाम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है। और अभी इसके जो सीएम है सर्बानंद सोनवाल है, और गवर्नर जगदीश मुखी है। तो जो सीएम सर्बानंद सोनवाल है, ये अभी रिसेंटली BJP के लीडर हैं, और ये अभी रिसेंटली इन्होंने अपना सरकार वहाँ बनाया है। और इसका गवर्नर है जगदीश मुखी। तो ये देख सकते हैं क्या कि इनके पीछे ये जो है ये आसाम का ही मैप बना हुआ है, और आसाम यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको कि ये किस साइड कहाँ पे है इंडिया का। अब आते हैं बिहार। बिहार का कैपिटल है पटना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्या कि इंडिया के मैप में ये बिहार कहाँ पे है। और इसके सीएम है नीतीश कुमार। अभी इन्होंने भी रिसेंटली BJP के साथ गठबंधन में सरकार बनाया है। और इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है क्या कि एक राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, अपने जो राष्ट्रपति, वो पहले बिहार के गवर्नर थे। जब बिहार के गवर्नर से उनको राष्ट्रपति पद दिया गया तो वो वैकेंट हो गया। तो अभी उसको सत्यपाल मलिक के ने उसको अभी वहाँ पे उसको चला रहे हैं, वहाँ के गवर्नर बन गए हैं बिहार के। अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक्चुअली ये जो कैपिटल है नया रायपुर उसको बोला जाता है, ये रायपुर लिखा हुआ है लेकिन नया रायपुर। और इसके जो सीएम है डॉक्टर रमन सिंह है, और गवर्नर है बलराम जी दास टंडन। और ये देखिए गोवा। गोवा एक बहुत ही अच्छा जगह है, इसका कैपिटल पणजी है। और इसके सीएम है मनोहर पारिकर। अभी रिसेंटली सीएम ये दोबारा बने हैं, तो इसके पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर ये फिर दोबारा ये गोवा गए हैं और वहाँ के सीएम बन गए हैं। और इसके गवर्नर है मृदुला सिन्हा। ये देखिए फोटो के साथ मैं इसीलिए वीडियो बनाना चाह रहा था कि ताकि आपको कहीं भी कुछ भी दिखे तो आपको तुरंत का तुरंत रिमाइंड होना चाहिए क्या कि ये, अरे ये मैंने तो वहाँ पर देखा था, ये मृदुला सिन्हा है या मनोहर पारिकर है। अब ये दिल्ली, दिल्ली का जो तो इंडिया का ही कैपिटल है दिल्ली, और ये एक यूनियन टेरिटरी है। और इसके सीएम जो है अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के, और गवर्नर है अनिल बैजल। और उसके बाद आते हैं गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। और इसके जो सीएम है विजय रूपाणी है, ये दूसरी बार बन रहे हैं, BJP का गवर्नमेंट है, और ओम प्रकाश कोहली हैं। और अभी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ में अभी गुजरात गुजरात हर जगह चर्चा हो रही है। तो इसलिए इनका जो गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली, इनको थोड़ा हमें ध्यान में रखना है और याद में रखना है। ये देखिए गुजरात है, जिनको जो कि सी साइड,
का ये है, पाकिस्तान के साथ भी इनका बॉर्डर शेयर होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर है। और आते हैं हरियाणा, हरियाणा का जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, ये देखिए हरियाणा कहाँ पे है, और इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी। और ये अभी हरियाणा जो है बहुत सारी चर्चा को लेकर, राम रहीम सिंह का जो अभी दंगा हो गया था उसको लेकर चर्चा है, मतलब अभी कुछ ना कुछ हमेशा दंगा हो जाता है इसके कारण, ये गवर्नमेंट थोड़ा रतिया, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है शिमला, बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है, यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए लोग जाते हैं। और इसके अभी नए नए अभी सीएम बने जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी के हैं। और आइए, और गवर्नर आचार्य देवव्रत, इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर, और विंटर में जम्मू हो जाता है, मतलब ये 6 6 महीना रहता है, 6 महीना श्रीनगर रहेगा फिर 6 महीना जम्मू में चला जाता है। और इसकी जो सीएम है महबूबा मुफ्ती सईद हैं, जो कि पीडीपी से हैं और बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने गवर्नर ये गवर्नमेंट बना कर रखा है। और गवर्नर है एन एन वोरा, ये भी याद रखने का चीज़ है, एन एन वोरा। और झारखंड का कैपिटल तो आप जान ही रहे हैं, रांची है। और फिर सीएम है रघुवर दास, ये पहले ऐसे नॉन ट्राइबल सीएम झारखंड के बने हैं। और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अब बातें कर्नाटक, कर्नाटक का शहर है बेंगलुरु, इसको आईटी सिटी भी बोलते हैं। और इसके सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है वाजुभाई वाला। और केरला तिरुवनंतपुरम, और ये देख रहे हैं सीधे साइड में लास्ट में केरला है, और इसके सीएम है पिनाराई विजयन। और इसका गवर्नर है जस्टिस रिटायर्ड पलन्ना स्वामी सत्ताशिवम। और इनका फोटो के साथ मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कहीं भी देखें तुरंत आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए ये कौन है, पलन्ना स्वामी सत्ताशिवम। और उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आपका जिसका कैपिटल भोपाल है, और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये पहले गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र में भी आपका बीजेपी का गवर्नमेंट है, देवेंद्र फडणवीस हैं इसके सीएम, और गवर्नर है चेन्नामनी विद्यासागर राव। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर 7 सिस्टर्स में से एक है, इसका कैपिटल इम्फाल है। और अभी अभी रिसेंटली बीजेपी का गवर्नमेंट बना है, और एन बीरेन सिंह इसके सीएम है और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ये देख सकते हैं इनका फोटो के साथ मैं इसमें डाला हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे इन फ्यूचर। मेघालय, मेघालय का जो कैपिटल है वो शिलोंग है, और इसके जो सीएम है डॉक्टर मुकुल संगमा है, गवर्नर है गंगा प्रसाद है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छा जगह है चेरापूंजी और मानसीराव, जहाँ के वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और आते हैं मिजोरम, एजुअल। मिजोरम का जो कैपिटल है वो एजुअल है, और सीएम लाल थनवाल है, और गवर्नमेंट जो ये गवर्नर जो है जनरल रिटायर्ड हैं, और निर्भया शर्मा इनका नाम हुआ। और ये अभी आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ये जो खासकर जो गवर्नर बन रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो स्पेशली गवर्नर के लिए बनाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ ये सारा फोटोज़ वगैरह सब डाला हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, कहीं भी देखे तो तुरंत दिमाग में मिजोरम का कैपिटल है एजुअल, और इसके सीएम है लाल थनवाल, गवर्नर है निर्भया शर्मा। और इसके बाद आते हैं नागालैंड, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, और ये चाइना के साथ बॉर्डर है इसका। और इसके जो सीएम है टी आर जेलिंग है, और इसके गवर्नर हैं जो पद्मनाभा बाला कृष्णा आचार्य हैं। और इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और ये सीएम है नवीन पटनायक, और ये इसके जो गवर्नर हैं एस सी जमीर हैं। और ये देख सकते हैं क्या कि उड़ीसा कहाँ पे है, आप इस मैप में देख सकते हैं। और ये पंजाब, पंजाब का जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, और अभी ये रिसेंटली यहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट बना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके सीएम है और गवर्नर बीपी सिंह बदनोर हैं। और इसके बाद आइए राजस्थान, राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर है, ये भी बहुत अच्छा सिटी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। और इसके सीएम है वसुंधरा राजे, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, गवर्नर है कल्याण सिंह। और सिक्किम, सिक्किम सिक्किम का कैपिटल है गैंगटोक, ये पहला ऐसा कैपिटल है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक खेती यहाँ की जाती है, और पहला ऐसा सा स्टेट है जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, गवर्नर है श्री निवास दादा साहब पाटिल। और इसके सीएम पवन कुमार चैमलिंग है और गवर्नर है श्री निवास दादा साहब पाटिल। और तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो चेन्नई है, और इसके जो सीएम है इद्दापड़ी के पलानी स्वामी है, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अभी रिसेंटली जब
जयललिता जी का जो निधन हुआ था उसके बाद बहुत ही वहाँ जो सरकार बनने और गिरने का सिलसिला चल रहा था, इसके बाद एक परमानेंट ये बन गया सीएम इडापड़ी के पलानी सेल्वम पलानी स्वामी, इसको जनरली हम लोग ई के पलानी स्वामी बोलते हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब तेलंगाना, हाँ अभी ये ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो डिवाइड हुआ है, अभी ये हैदराबाद इसका कैपिटल है और इसके सीएम है के चंद्रशेखर राव और है गवर्नर ई एस लक्ष्मी नरसिम्हा। त्रिपुरा, ये फिर एक नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा, और ये उसका कैपिटल है अगरतला और सीएम है मानिक सरकार और गवर्नर है तथागत रॉय। उत्तर प्रदेश का तो आप जान ही रहे हैं, लखनऊ है और सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर राम नाइक है और यहाँ भी बीजेपी के गवर्नमेंट बना है। और ये देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश भारत में कहाँ पे दिखता है। और इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड भी यूपी से अलग होकर एक अलग नया स्टेट बना है जो कि देहरादून है, और इसके जो सीएम है त्रिवेदी सिंह रावत है, यहाँ भी बीजेपी का भी नया गवर्नमेंट बना है, गवर्नर है डॉक्टर कृष्णा कांत पॉल। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता और सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी। और ये टीएमसी का गवर्नमेंट है यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस का, गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी। कुछ दिन के लिए ये एडिशनल इंचार्ज में थे बिहार के जब रामनाथ कोविंद गए थे, लेकिन अभी वहाँ अपना दे दिया गया है। अभी आइए अंडमान और निकोबार, और यहाँ ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज में आते हैं जिसमें सीएम नहीं बनते हैं, इसमें गवर्नर एक दिया जाता है। तो ये एडमायरल देवेंद्र कुमार जोशी, ये ध्यान याद रखने का चीज़ है जो कि एडमायरल रिटायर्ड हैं, इनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया है देवेंद्र कुमार जोशी। फिर आते हैं दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, आप देख सकते हैं दादर नगर हवेली कहाँ है, दमन यहाँ है, दीव यहाँ पे है, ये दमन और दीव अलग अलग है लेकिन एक ही यूनियन टेरिटरी में आता है। और इस दोनों यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नर है प्रफुल्ल कोड़ा पटेल। और फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में का जो लक्षद्वीप क्या है, क्या कि वो दो चार द्वीप्स हैं जो जो द्वीप से कलेक्शन ऑफ क्लस्टर ऑफ द्वीप्स है, आइलैंड है वो लक्षद्वीप है, गवर्नर है फारूक खान। और पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है का जो है वहाँ पे सीएम है जो यूनियन टेरिटरीज में, ये भी आता है सीएम है नारायणा स्वामी और गवर्नर है किरण बेदी, और इनको तो आप जानती ही होंगे, ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है सीएम वी नारायणा स्वामी। और यहीं पे आपका ये सारा ख़त्म होता है। और आप अभी मैं अगला एक वीडियो बनाने वाला हूँ स्टेट वाइज जो भी आपके जो नेशनल पार्क हैं उनको बनाना चाह रहा हूँ ताकि सबको याद रहे, और उसको मैं उसमें फ़ोटो नहीं डालने वाला हूँ, उसमें मैं ऐसा ट्रिक से उसको बनाने चाह रहा हूँ ताकि वो आपको याद रहे कि कैसे ये होता है। ठीक है,